सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के बारे में प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण बैठक ज्वालामुखी की बंसल सराय में एसडीएम मनोज ठाकुर की अध्यक्षता में की, जिसमें दुकानदारों को बताया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक पर बहुत पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है। 1 जुलाई से केंद्र सरकार ने भी प्लास्टिक के कई उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार और प्रशासन का दुकानदारों और लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य लोगों को सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करवाना है। इसके साथ ही हर नागरिक का दायित्व और जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी तरफ से 100% योगदान करें और आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा बनाएं। केंद्र और प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करें। प्लास्टिक के कुछ उत्पाद पर्यावरण के लिए अत्यंत खतरनाक हैं, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। प्रकृति से छेड़छाड़ की वजह से कई प्राकृतिक प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक के कई उत्पादों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इस मौके पर सभी दुकानदारों को उन सभी उत्पादों पर जिन पर प्रतिबंध लगा है के बारे में जानकारी दी गई। जो प्लास्टिक इस्तेमाल होती है सजावट के लिए, प्लास्टिक कटलरी जैसे कि प्लेट, कप, चाकू, ट्रे, ग्लास, फॉर्क, स्ट्रॉ, चम्मच, स्टिरर। अब अमूमन आपने देखा होगा जो कोई नींबू पानी बेच रहा है, नारियल बेच रहा है, तो वो भी प्लास्टिक की स्ट्रॉज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि कागज की स्ट्रॉ पहले भी मार्केट में आती थी, अब भी आती है, तो उसको इस्तेमाल करें और ये प्लास्टिक की स्ट्रॉ बंद कर दें, क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं करते हैं तो उनके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। इसके अलावा सिगरेट के पैकेट पर लपेटे जाने वाली प्लास्टिक, ये तो चलिए मैन्युफैक्चरर यहाँ कोई नहीं है, लेकिन अब जब ये पीछे से ही बंद हो जाएगी तो आपके पास वो प्लास्टिक भी लग के नहीं आएंगे। इनविटेशन कार्ड पर लपेटे जाने वाली प्लास्टिक, तो जितने भी आपके यहाँ प्रिंटिंग प्रेस वाले भाई बंधु हैं, कृपया करके उनसे भी अनुरोध है कि आपका जो इनविटेशन कार्ड है उसके ऊपर आप कोई भी प्लास्टिक का कोई पन्नी ना लगाएं। मिठाई के डब्बों पर लपेटे जाने वाली प्लास्टिक, इसका भी खास ख्याल रखें हमारे मिठाइयों वाले भाई बंधु। 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या PVC के बैनर, जितने भी लोग फ्लेक्स प्रिंटिंग का काम करते हैं उस चीज़ का ख्याल रखें। इसके अलावा हमारा 60 GSM तक का जो नॉन वुवन प्लास्टिक कैरी बैग है वो भी बैन हो चुका है।